हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट वर्ल्ड। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली चिकन। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक रेसिपी डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसे छोटे छोटे पीस में काट लीजिएगा और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 या 3 आप दे सकते हैं, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैंने सिरका डाला है, काली मिर्च, डालेंगे नमक। नमक आप अपने अंदाज से डालिए स्वाद अनुसार। सभी चीजों को मिला देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मैरिनेट होने के लिए आधा से पौना घंटा छोड़ देंगे। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर दें, आधा से पौना घंटा के लिए छोड़ देंगे। सब कुछ मिक्स करने के बाद इसमें एक अंडा फोड़ के डालेंगे। अंडा डाला और इसे अच्छे से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे आधा पौन घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप 1-1.5 घंटा छोड़ सकते हैं। इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए, वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसे 1/2 घंटे बाद बना लूँगी। मैरिनेट हो गया है चिकन, अब इसे फ्राई करेंगे। सिर्फ मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। गरम हो गया, अब इसमें हम टूथपिक डालेंगे। अगर इसमें बबल्स आ जाए तो समझिए मुझे, देखिए ऐसा तेल होना चाहिए। गैस को करेंगे कम और इसे फ्राई करेंगे। एक एक उठाते डालिए। देखिए ये गोल्डन फ्राई हो गया है, अब हम निकालेंगे। मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे जो भी तेल खाते हो उसमें फ्राई कीजिए। सरसों के तेल में मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं सरसों के तेल में ही फ्राई करती हूँ। फिर से डाल लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है, अंदर तक पक चुका है, क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। इस तरह से ही हम सभी पूरे चिकन को फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम ग्रेवी में मिलेंगे। इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, शिमला मिर्च 1/2 शिमला मिर्च, लहसुन की 8-10 कलियाँ और हरी प्याज। हरे प्याज को अलग अलग करेंगे, सफ़ेद पोर्शन अलग काटेंगे और हरे पोर्शन को अलग काटेंगे। ग्रेवी के लिए 2 कप पानी लिया है, में 2 टेबल स्पून अरारोट डालेंगे। एक चम्मच विनेगर, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टोमेटो सॉस,
ग्रीन चिली सॉस, आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ ग्रीन चिली सॉस यूज कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो सोया सॉस ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसी तेल को मैं यहाँ बाहर कर लूँगी कम करके और इसी तेल में बनाएंगे। अदरक, प्याज का सादा वाला हिस्सा, हरी मिर्च और लहसुन, सभी चीज़ों को डाल दिया है। इसे चलाते रहेंगे और आँच को तेज रखेंगे। हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज, काटा है मैंने, इसके बॉल्स निकाल लिए हैं, आधी शिमला मिर्च और आधी हरी ग्रीन भाग जो है हमारे पत्ते वाली वाले प्याज की, डाला और इसे भी एक मिनट तक चलाते रहेंगे। इसे भी एक से डेढ़ मिनट तक भूनेंगे। ये लगभग हो गया है। आप चाहे तो हरी, पीली, लाल सब शिमला मिर्च डाल सकती हैं, मैंने यहाँ सिर्फ ग्रीन डाला है। और ये ग्रेवी डालेंगे, एक मिनट के लिए ग्रेवी को छोड़ेंगे, जब इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसे चलाएंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, देखिए उबाल आ गया है ग्रेवी में। अब हम इसमें सारा फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। और इसे चलाएंगे। ग्रेवी में इसे दो मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हमारा चिली चिकन तैयार है। चिली चिकन तैयार है और हम इसे गार्निश कर रहे हैं हरे प्याज से।